अलैकुम व्यूअर्स, हम तिरमाल बैठे हैं इस टाइम, स्वात निकलने के इंतज़ार में हैं। और इंतज़ार में देर सिर्फ इस वजह से है कि अभी तक हमारा ड्राइवर नहीं पहुंचा। ड्राइवर हजरात के बारे में आप लोग बिल्कुल भी जानते हैं कि जो वो टाइम देते हैं उस टाइम पे कभी नहीं पहुंचते, और सारे रास्ते में उनको काम होते हैं, वो करके आते हैं। बात हुई है उससे, उसने कहा कि मैं 15 मिनट तक पहुँच रहा हूँ। तो ये जो पिछले 1 घंटे से वो यही कह रहा है कि मैं 15 मिनट तक पहुँच रहा हूँ। तो जैसे ही वो पहुँचता है तो हम उस पर जब सफ़र की रवानगी करेंगे, आपको स्वात के मुख्तलिफ मकाम की सैर करवाएंगे इस वीडियोज़ में। नए मकाम, जिन मकाम को पहले आपने नहीं देखा होगा, वो सारे मकाम हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये तो मेरा ही है ना, ये ऑलवेज आपके भाई का और किसी का नहीं होना। वो जो नुक्कर में एक बैग पड़ा हुआ है वो भी मेरा है, और साथ ही हमारे पास ये शूज़ के लिए एक अलग शॉपर है। तो बैग मेरा होना तो एक ही था, लेकिन चूँकि व्लॉग बनाना है तो लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की साथ ज़रूरत है, तो इस वजह से ये बैग दूसरा लेके आना पड़ा लैपटॉप के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है सारा, तो इस वजह से दो बैग करने पड़े, वरना मेरा सामान तो सारा एक ही बैग में आ गया। जी तो इस टाइम हम साइया वाला इंटरचेंज के पास एक पेट्रोल पंप है वो वालों का, वहाँ पर हमने स्टॉप किया है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाने पीना तो ले लिया जाए। तो वही काम कर रहे हैं, काम मेरे में हिस्से में बबल ही आई है और कुछ अभी तक बबल है और थोड़ी सी लेस खाई है। अब हम जो है वो स्टोर पर जाके कुछ लेते हैं खाने पीने को, देखते हैं। सर्दी यहाँ पर हमें काफ़ी महसूस हो रही है, तो अभी तो सफ़र की इब्तदा है, आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या टेम्परेचर है। तो ठीक है, हम इस टाइम पहुंच चुके हैं स्वात के रास्ते में, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक मुकाम है, रेस्ट एरिया है यहाँ पर, चटलंटा टाइप इसका नाम है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया, रास्ते में हम कहीं नहीं रुके, हमने कहा जल्दी जल्दी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें। स्टॉप किया, नमाज़ पढ़ी है। तो ये यहाँ की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको सर्दी में भी यहाँ पर मस्जिद में आपको बिल्कुल गर्म पानी मिला है, वाशरूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कंटेनर्स में वाशरूम है और उसमें भी आपको गर्म पानी की सहूलत मैसर है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जो है अपनी शॉर्ट्स भी निकाल ली हैं। तो उम्मीद है कि ये जो दर्जा रगत है
इस टाइम हम इकबाल होटल पे पहुंच चुके हैं मैरीन में, नाश्ता करने के लिए स्टॉप किया है। अभी देर से सफर में रहे हैं, मरीन क्रॉस किया है, अब मैरीन पहुंचे हैं। हमारे पास आज जो ये हमारे साबिर भाई हैं, ये 2 घंटे से इनके 10 मिनट नहीं गुजर रहे थे, तो अब अल्लाह अल्लाह करके होटल आया और ये नाश्ते का सामान हमारे टेबल पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे नाश्ता आपको दिखा रहे हैं, ये पूड़ी टाइप पराठे, हलवा, चने, चाय। ब्रिज के ब्रिज के ऊपर ही जा रहे हैं, ब्रिज पर जा रहे हैं, करेंग ब्रिज ब्रिज का नाम है। और ये एमिट रहा है वो की चादर से बना हुआ है नीचे इसके। ओहो भाई साहब, यार ये स्वाद बह रहा है, बहुत ठंडा पानी है, इतना ठंडा कि आपको कुल्फी जाना। ट्राउट फिश मिल रही है इसमें। और कुछ सर से पहले जिस तरह के ब्रिज पे हम हैं, ऐसे ही एक पार्टी आई हुई थी, ट्रिप आया था 20-25 लोग थे, तो वो ब्रिज टूट भी गया था, 25 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन अल्लाह ये मेरा फैन जा रहा है, ये देखो ये फैन जा रहा है, ये फैन मेरा फैन है साथ में। मुश्किल से हाइकिंग का सामान भी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी कोशिश करके पूरम साहब के साथ सर ने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक आने के लिए। एहफाज साहब भी हाथ हिला रहे हैं, एहफाज साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से आए और हम नीचे आए हैं। हमारे पास जाल भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई कंडीश भी है, और हम ट्राउट फिश पकड़ना चाह रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये है कि हम कुछ नेजे का इस्तेमाल भी नहीं है, डायरेक्ट पानी में हाथ डाल के निकाले। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मछली डायरेक्ट निकाली नहीं जा सकती, तो प्लान भी हम सोच रहे हैं कैसे हम फिश को निकालें। दूसरा प्लान हमारा फिर ये होगा कि अगर हम फिश को निकालने की कोशिश नहीं कर सकते, तो प्लान भी हमारा ये है कि हम खुद निकल रहे हैं यहाँ से, और निकलना बहुत मुश्किल है। कैमरा ऑफ करके दिखाएं कि कैसी हाइकिंग हम करके, वो देखें वो लड़के उनकी बस हो गई है, नीचे नहीं उतर रहे, हम बड़ी मुश्किल से नीचे उतर तो आए हैं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता हमें तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। तो बिजली वाली बात है, बिजली आगे लगानी पड़ेगी, तो रास्ता आगे लेके जाए। ठीक है जी, तो अब हम बहरीन से निकल रहे हैं, बहरीन में हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हमने प्लान बनाया कि पहला प्लान हमारा ये था 2 दिन पहले से कि बहरीन में ही रात का स्टे होगा, लेकिन फिर अचानक प्रोग्राम में तब्दीली आई कि हम कलाम चलते हैं और कलाम में ही रात का स्टे करेंगे। यहाँ से जो हमारी बुकिंग थी वो हमने कैंसिलेशन करवाई उसकी,
आराम रहते की होटल वालों से, वो सारे होटल जो हैं बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, और जो टेम्परेचर है वो -11 तक है, तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो फिर हमने दोबारा प्लान ये बनाया कि हम बहरीन में ही रात का स्टे करते हैं। जिस होटल से पहले बुकिंग करवाई थी उसके पास गए, उसने इनकार कर दिया कि मैं अब आपको नहीं दूंगा, आपने 2 दिन पहले मेरे से बुकिंग कराई थी। अभी उसके साथ वाले से फिर हमने साथ होटल में वहाँ से बुकिंग करवाई, वहाँ पर अपना लगेज वगैरह रखा और वहाँ पर नहा कर फ्रेश हुए, और पानी इंतहाई ठंडा लेकिन फिर भी हम नहाए, और अब हम गाड़ी के पास बिल्कुल खड़े हैं, निकलने लगे हैं यहाँ से कलाम की तरफ। रात तक हम हमारा स्टे, ये जैकेट भी निकाल ली है, जैसे शर्ट भी है, इसके अंदर भी है, मफलर भी लगा लिया। और ये हमारे सावर भाई हैं, हम आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। ये ऊपर से जब भी कहते हैं कि 5 मिनट तो आधा घंटा लगाते हैं, लेकिन ये टूर कंपनी बहुत अच्छा चला रहे हैं। सारे दूरी के नाम से फैसलाबाद, फैसलाबाद डीसी टावर पे इनका ऑफिस है। तो ये हमारे पूनम साहब भी आप इशारा कर रहे हैं कि जल्दी करें, देर हो रही है, तो हम आप गाड़ी में चलते हैं और नेक्स्ट आगे। हम इस टाइम कलाम पहुंच चुके हैं। हम सोच कर आए थे कि यहाँ पर हमें बर्फ़बारी देखने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं उसको देख के यही लग रहा है कि जो बर्फ़बारी है वो तकरीबन यहाँ पर कोई 3 से 4 दिन पहले हुई थी। बर्फ़ काफ़ी सख्त हो चुकी है और जो है उस पर काफ़ी मिट्टी जम चुकी है, तो काफ़ी रश है यहाँ पर, लोग काफ़ी फिर रहे हैं। आ सकता है ये इस टाइम हम कलाम के जंगल में हैं और ये काफ़ी लोग फिर रहे हैं यहाँ पर, ये मुख्तलिफ लोग कुछ गुब्बारे फाड़ रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत पुरसकून जगह है। सर्दी भी है लेकिन इतनी ख़ास सर्दी नहीं है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जाने, इधर से होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, यहाँ पे पास ही एक लेक है जिसको आप मोमडन लेक टाइप उसको कहते हैं, क्योंकि जो दूसरी जो मेन लेक है मॉडर्न लेक तो बंद पड़ी है, वहाँ पर उसके रास्ते बंद है, तो यहाँ पे मॉडर्न जूनियर लेक कह लें उसको, वो वहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट में जाना है, और फिर वहाँ से आगे हमारा जो है वो फ्लोगा जाने का प्रोग्राम है।
रोगा भी गाड़ी तो हमारी नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे जीपे वगैरह जाएंगी। तो पहले हम लेक पे जाएंगे और लेक के बाद वहाँ से फिर जीप लेकर रोगा की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको फिर व्यूज दिखाते हैं। स्टे ट्यून। जी तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न लेक पे। वेलकम। पिछली पहले आपको बताया था कि अभी हम कलाम में हैं, वहां से हमने मॉडर्न लेक पे जाना है। तो मॉडर्न लेक पे हम पहुंच चुके हैं। ये हम थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतर रहे हैं, गिरने भी लगा था मैं तो। और बड़ी अच्छी जगह है ये। हमारे एक सर हैं, श्याम साहब हैं, ये तस्वीर बनाते हैं, लेकिन इनकी अच्छी नहीं आती, इसलिए फिर दूसरों को कहते हैं कि मेरी तस्वीर। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे है बहुत बर्फ। तो ये हमें गाइड करते आ रहे हैं शुरू से साबिर भाई। बाकी इस जगह के बारे में हमें साबिर भाई अपनी जुबानी खुद बताएंगे। जी साबिर भाई। बेसिकली ये है स्मॉल मॉडर्न लेक, बेसिकली जंगल पॉइंट जहाँ पे हम पहले आए थे, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है नीचे की जाने। बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत एटमोसफियर है यहाँ पर। आपको यहाँ पर ड्राई आइस मिलेगी, फ्रेश आइस। उसके साथ ये लेक जो है हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर माउंटेन वाला। दरअसल है क्या कि जो ऊपर वाली मॉडल लेक है वहाँ पर बर्फबारी की वजह से जाया नहीं जाता। बाद ऐसा होता है कि जो भी जो रिवर है वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचता।
पहुँच सकता, क्योंकि जो स्पॉट है इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। अभी हम आए हैं, मैं पिछली दफ़ा जब टूर लेके आया उनका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी हो गया। नेक्स्ट इनका जो प्रोग्राम है इसको पूरा डेवलप करने का, यहाँ पर सारे होटल बन जाएंगे। व्यू तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये आइस, ये वाटर, और पीछे से वो पहाड़ी जो है बादलों में छुपी हुई है, अगर आप दिखाएं तो बड़ा खूबसूरत व्यू बनता है अगर थोड़ी सी सनलाइट हो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं वापस जहाँ से हम निकल रहे हैं, छोटी मॉडर्न जेल से निकल रहे हैं और आगे हम जाने लगे हैं फ्लोगा की तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आप पहले हमारी वीडियो देख के आपको मज़ा आ रहा होगा, डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आप देख के इंजॉय करेंगे। कहीं से एक बात बताऊँ, हमारे पास कैमरा वैमरा नहीं था, पठान मिल गया 20-20 में पिक क्लिक करवा ली, DSLR में वो भी DSLR 50 रुपए रेट था लेकिन हमें उसने 20 रुपए लगाया। आप हमने लिखोगे ना आपको यार ये पता नहीं कौन सा कैमरा लेके, कैमरा कुमरा कोई नहीं ले गया, ये बस है ना, और 3 पिक क्लिक कराई 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए याशी की है, याशी करवा दी उसे। अब हम मॉडर्न जाते हैं जी प्रोगा, और चौड़े हो गए, अब उम्मीद तो है कि स्पोर्ट पे जाएंगे प्रोगा, उम्मीद तो है कि वहाँ पे बर्फबारी हो रही होगी, अगर हो रही होगी तो क्या ही बात है, नहीं तो ना हो रही होगी हमारे लिए, क्योंकि हम इतना सफर करके सिर्फ यही चीज देखने आए थे, और ये हमारा थर्ड टूर है इसीलिए कि हम स्नोफॉल देखें। पर लेकिन अभी तक आजाद कश्मीर तक हम हुआ है, नीलम वैली में हर जगह फिर लिया है, LOC तक हुआ है, लेकिन बर्फबारी हमें पहले नहीं मिली। स्वात हो रही है, स्वात हो रही है, फिर हम आगे, फिर कलाम आगे कि वहाँ चले जाए, वहाँ तो पक्की है, और वहाँ पे भी आ गए हैं। अब जब पता चला वो कह रहे हैं यहाँ तो मंथ पहले ही होगी थी, 14 नवंबर को लास्ट टाइम हुई थी, अभी तक दोबारा नहीं हुई, अभी तक दोबारा नहीं हुई। हमारे साथ टोटली प्रैंक हो रहे हैं, थर्ड विजिट और थर्ड प्रैंक, बस क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड विद अस। जी तो अब हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं एक बार रेस्टोरेंट पर, बहरीन में ही हमने स्टे किया है और बहरीन में ही हमने नाश्ता भी यहीं पर किया था, जिस होटल पे नाश्ता किया था वहीं पर हम डिनर करने भी जा रहे हैं। सर्दी और जगह नहीं है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो -1 पर पहुँच चुका है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो कमरा है वो भी बिल्कुल दरिया वाली साइड पर है, तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वहाँ पर आ रही है, बहुत टेम्परेचर लो है, बादल भी हैं, चांद छुप चुका है बादलों में, लग रहा है कि आज रात जो है वो बारिश भी होगी। अभी आपको होटल दिखाते हैं, यहाँ पे बैठ के सब खाना खा रहे हैं, खाना बाकी सारे दोस्त पहुँच चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमारे एक दोस्त जो है वो थोड़ा तैयार हो रहे थे, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वाल रेस्टोरेंट, वाल होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमारा डिनर जो है वो अरेंज है। ये सारे डिनर पे टूट चुके हैं, इन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया, खासतौर पर गुरम साहब ने आधी प्लेट ये देख सकते हैं, प्लेट ये आधी आ चुके हैं। अकबर
इस टाइम सुबह के 7:30 हुए हैं। सुबह 6 बजे हम जा गए थे, हमारा जो प्लान था वो ये था कि 7:30 बजे हमें नाश्ते वाले होटल पे इकट्ठे होने हैं, तो हम उसी हिसाब से भी हमारे सफा साहब खड़े हैं, इन्होंने हमें 6 बजे जगा दिया कि उसे तैयार हो जाओ, हमने गर्म गर्म पानी से नहा लिया। बाकी कमरे में जाकर देखा है तो वो सारे सो रहे हैं, उनको हम उनकी उम्मीद पे थे कि वो हमें आगे जगाएंगे तो हम आगे से उन्हें सरप्राइज़ देंगे कि हम रेडी बैठे हैं, लेकिन हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया कि वो सो रहे हैं। तो बहरहाल उनको जगा कर आए हैं, अब देखते हैं कि पानी भी गर्म इस टाइम मिलता है उन्हें या नहीं मिलता। हमारी लक तो अच्छी थी क्योंकि हम जल्दी भी जा गए, इस वजह से हमारी लक अच्छी थी कि हमें गर्म गर्म पानी मिला, बहुत मज़े से हमने नहाया। गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करके नहाए हैं, मतलब इतना गर्म पानी था। अब हम उनके इंतज़ार में हैं और लोग जो हैं वो जा चुके हैं दूर दूर तक, उनके कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो कुछ लोग लड़कियाँ ट्रैकिंग कर रही हैं और भाई फिर रहे हैं। सुबह सुबह का जो मौसम है यहाँ पर बहुत प्यारा है, बड़ी आप और खुशगवार फिजा है। हम अफाज साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो टेम्परेचर तो शून्य से नीचे ही है कल रात 12 बजे से। अफाज साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस टूर को और इस जगह को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। पूछे हुए जी अफाज साहब, हाँ जी बहुत अच्छा रहा जी टूर और नाथ साहब की कंपनी में, माशाल्लाह नाश्ता बाद में मिलता है और ये कोई ना कोई जुगत लगा देते हैं सोने से पहले भी और उठने से पहले भी कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा रहा टूर, दोस्तों की कंपनी को इंजॉय किया हमने और कलाम में ये पहला टूर था मेरा, इससे पहले मैं गिलगित घूमना और चित्रहार की साइड पर जा चुका हूँ, लेकिन ये क्वाइट डिफरेंट टूर था और बहुत अच्छा लगा मज़ेदार। और ये कंपनी और ये व्लॉग का जो लाल साहब का आइडिया ये भी यूनिक है। थैंक यू। अब हम जाएंगे नाश्ते के लिए, पता नहीं कब नाश्ता आएगा। वेट कर। हेलो गाइस। जी नाश्ता हमने कर लिया, वहीं से एक बाल होटल से नाश्ता किया, काफ़ी अच्छा नाश्ता था, आलू की भुजिया, चने, ऑमलेट, चाय, पराठे, नान और साथ में हलवा, बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, पहाड़ों पर हल्की हल्की भी धूप आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी पहाड़ों से नीचे भी धूप नहीं उतरी। हमारी गाड़ी पीछे तैयार खड़ी है, पिछली गाड़ी जो माशाल्लाह लिखा नज़र आ रहा है वाली हमारी गाड़ी है और सारे लोग इसमें बैठ चुके हैं। हम यहाँ से अब मालम जबा की तरफ निकल रहे हैं। मालम जबा का टेम्परेचर रात को हमने चेक किया तो -11 था। अब जाके देखते हैं क्या हालात है। एक दोस्त से रब्ता हुआ था, उसने ये बताया कि वहाँ पर तकरीबन रोज़ ही बर्फबारी हो रही है, तो हम किसी उम्मीद पर जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिले। हम कलाम तक हो आए हैं, अब मालूम आखिरी सहारा लास्ट डे, देखते हैं स्नोफॉलिंग हमें मिलती है या नहीं मिलती। मालूम जब हमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर चेयर लिफ्ट की फैसिलिटी है और उसके साथ साथ जिपर भी है, तो हम जाके देखते हैं कि अगर जिपर को लेते हुए हमें डर ना लगा तो हम जिपर भी इंजॉय करेंगे, अदरवाइज भी चेयर लिफ्ट इंजॉय करेंगे या भी ट्रैकिंग करेंगे। तो दिखाते हैं आपको मालूम जब पहुँच गए।
हम मालम जब्बा पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक का रश काफ़ी, बर्फ भी, सब बर्फबारी भी हुई हुई है, तो गाड़ियां जो हैं वो फिसल रही हैं। तो काफ़ी लंबी लाइन थी गाड़ियों की, तो हमने यही सोचा कि यहाँ से पैदल ही चलते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी आवाम कैसी है, जहाँ पर भी जगह मिलती है खड़ी कर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। पीछे भी इस तरह देखें और वो आगे भी देखें, कैसे आपको लंबी कतार नज़र आ रही है गाड़ियों। तो हमने फिर यही सोचा कि अगर यहाँ पर खड़े हो गए जो हमने आधा घंटा आपको गाड़ी गुजरने का वेट करना है, हम पैदल ही चलते हैं। तो पैदल ही हम रवाना हुआ है, कुछ लोग हमारे आगे हैं और कुछ हमारे पीछे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है वो बर्फ है, ये इसने मालम जब्बा का इलाका है। ये गाड़ी वाले को जल्दी है, ये बार बार पैरों पे पैरें मार रहा है, इसको ये नहीं पता कि हम व्लॉग बना रहे हैं अपना। तो ये बर्फ हमें यहाँ पे ध्यान से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सा फिसलन हुआ नीचे, ये देखें व्यू चेक करें। तो ये इसको ऐसे ही स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान नहीं कहते, ये जगह क्या खूबसूरत व्यू है, कमाल। चेयर लिफ्ट के पास, तो मास्क लगा लिया है, सो प्लीज़ यू नो मास्क नो सर्विस। तो हमारे साथ जो हमारे टूर वाले गाइड हैं पॉकेट में होगा, टूर वाले जो गाइड हैं वो भाई लाइन में लगे हैं चेयर लिफ्ट की टिकट लेने के लिए, बहुत ज़्यादा रश है। हम आपको रश दिखाते हैं यहाँ पे, ये सारा रश जो है ये चेयर लिफ्ट की टिकट लेने वालों का है। और यहाँ पर जिपर भी हैं, ये लोग जिपर के थ्रू आ रहे हैं। और ये उतर गए, तो मौसम भी अच्छा है, बर्फबारी दूर तक ये बर्फ़ आ रही है। ये सारा जो हमारा वे होगा जिस वेव के थ्रू हम चेयर लिफ्ट पे बैठ के ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम चेयर लिफ्ट पे बैठ के फिर आपको नज़ारा देंगे। अब उतर रहे हैं पहाड़ों से, बहुत ज़रूरी है, बर्फबारी बहुत है, तो रास्ता देख रहे हैं कि हम कैसे होता है। एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ के आप बर्फ़ उतरते हैं तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक भी दूसरा भी जाएगा, अगर हाथ नहीं पकड़ा होगा तो जो पिछलेगा वही जाएगा। यस, उतरे वो रास्ता ठीक है, वो ओके।
you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. जी तो अब हम मालव जब से निकल रहे हैं, वापसी है हमारी, इस्लामाबाद निकल रहे हैं। जाके देखते हैं जो मिठाई नहीं बंद है, कहाँ से हमें जो है वो ओपन आने का जाके पता चलेगा। तो फिलहाल हम मालव जब से निकल रहे हैं, रोड भी निकल रहे हैं, बहुत सब जगह हो गई है यहाँ पे। जब से स्नो फॉलिंग हुई है उसके बाद से जो है वो वापस तेज़ हो गई है, स्नो फॉलिंग रुक गई है, लेकिन उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। तो इस टाइम यहाँ पर -3 का टेम्परेचर है और यहाँ से मालम जब्बा से हम निकले थे और रास्ते में हमारा जो ये स्टॉप था वो मिंगोरा में, हम इस टाइम पार्क होटल पिज़्ज़ा गार्डन में और इस साथ जो साहब है तो नहीं है यहाँ पर। हमारे पास जो फैसिलिटी इस टाइम है वो बॉन फायर की है और इस टाइम बॉन फायर से बैठे हैं, आग चल रही है, म्यूजिक चल रहा है और इसके बाद जो है वो हमारा डिनर होगा। सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल।